इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। बहुत समय पहले एक दिन बहुत सारी लालची चुड़ैलें एक गांव में घुस जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो गांव वाले हमें आग लगाकर मार देंगे, लेकिन हमें अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए गांव वालों को मारकर खाना होगा। तभी अचानक उस चुड़ैल को एक माचिस नजर आती है। वह चुड़ैल कहती है, देखो बहनों, ये माचिस, हम इसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोई इस माचिस को उठाने आएगा, हम उसे माचिस के अंदर घसीट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल एक एक करके माचिस के अंदर घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं, उनकी नजर माचिस पर पड़ती है। एक लड़का कहता है, अरे भाई देखो माचिस, चलो हम सभी माचिस को इकट्ठा करके माचिस की कार बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर जैसे ही वह बच्चे माचिस को उठाने चलते हैं, तभी सभी चुड़ैले एक एक करके उन सभी लड़कों को माचिस के अंदर घसीट लेती हैं। वह लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। लेकिन वह चुड़ैलें उन्हें गुफा में ले जाकर बंदी बना लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन देखो, अभी तो हमारे पास चार इंसान ही हुए हैं, हमें एक इंसान और चाहिए, फिर हम उन्हें अमावस्या की रात को मार देंगे और खा जाएंगे, जिससे हमारी शक्तियाँ हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वह सभी चुड़ैलें बचे हुए एक लड़के को लेने के लिए गाँव की तरफ निकलती है। तभी एक चुड़ैल माचिस के अंदर चली जाती है और कहती है, कहाँ है मेरा शिकार, जल्दी से आ जा, फिर मैं तुझे माचिस के अंदर घसीटूंगी। गांव में बच्चों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके सांपों को मारने लगते हैं। एक सांप कहता है, अरे भाई तुम हम सबको क्यों मार रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ पर भोलू नागराज और नागिन पहुँच जाते हैं। भोलू नागराज कहता है, इंसान तुम हमारे प्रिय सांपों को क्यों मार रहे हो। वह गांव का व्यक्ति कहता है, नाग देवता, हमारे बच्चों को यह सांप उठाकर ले जाते हैं और मारकर खा जाते हैं, इसलिए हम इन सभी सांपों को एक एक करके मार रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी भोलू नागराज अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब कौन कर रहा है। भोलू नागराज कहता है, यह देखो गाँव वालों, यह काम ये चुड़ैले मिलकर कर रही हैं और तुम बेवजह ही इन सांपों को मार रहे हो। वह व्यक्ति नागराज से कहता है, नागराज इन चुड़ैलों से हमारे गांव की रक्षा करो, कृपया हमारी मदद करो। नागराज कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम इन सांपों को मारना बंद करो और सभी गाँव वालों को बोलो कि वह इन्हें मारना बंद कर दें। तभी सभी गाँव वाले नागराज की बात मानकर सांपों को मारना बंद कर देते हैं। बोलू नागराज छोटा होकर एक माचिस में चला जाता है, लेकिन उसमें चुड़ैल नहीं होती। भोलू नागराज कहता है, इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी एक चुड़ैल उस माचिस में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नागराज को देखकर घबराकर भाग जाती है। फिर नागराज उस माचिस में से निकलकर दूसरी माचिस में भेष बदल कर जाने लगता है। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल नागराज को माचिस में घसीट लेती है और सीधा गुफा में ले जाती है। गुफा में जाकर वह बाकी बची हुई चुड़ैलों से कहती है, क्या बात, तुम कोई इंसान पकड़कर नहीं लाई। तभी वह चुड़ैल कहती है, बहन हम जैसे ही माचिस में घुसने लगी उसमें नागराज था और हम तो डर के भाग आए, लगता है नागराज को पता लग गया, हमें इन्हें जल्दी ही मारना होगा। बड़ी चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास 5 इंसान हो गए और आज तो अमावस्या की रात भी है, चलो जल्दी से यज्ञ की तैयारी करो, आज हम हजार गुना शक्तिशाली हो ही जाएंगी और ब्रह्मांड पर राज करेंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक यज्ञ की तैयारी करने लगती हैं। तभी भेष बदले हुए नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन भी आ जाती है। नागराज नागिन से कहता है, नागिन इन्हें सुरक्षित गांव वालों तक पहुंचा दो, इतने मैं चुड़ैल को सबक सिखाता हूं। नागिन उन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को कैद कर लेता है
चुड़ैलों को पता लग जाता है कि वह मुसीबत में है। वह बाहर आने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती। एक चुड़ैल कहती है, बोलू नागराज, तुमने हमें कैद कर अच्छा नहीं किया, हमें आजाद कर दे नहीं तो मारा जाएगा। बोलू नागराज कहता है, चुड़ैल कहेगी, तुम्हारी वजह से मेरे कुछ भाई सांप बेवजह ही मारे गए, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को आग लगा देता है और गुफा समेत सभी चुड़ैलों को पाताल लोक पहुंचा देता है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव में खिलौने बेचकर और बच्चों को उठा लिया करती थी। खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के मनपसंद खिलौने, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने, ले लो भैया खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मजा आएगा। इतने में एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह जेसीबी ट्रक दोनों चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बच्चे की जिद देखकर चुड़ैल बोलती है, आहा आजा बच्चे जल्दी आजा, मेरे खिलौने तो ले ले। बच्चे की माँ बोलती है, बेटे ऐसे किसी से कोई भी खिलौने नहीं लेने चाहिए, हम तो इसे जानते भी नहीं, कहाँ से कैसे आई हुई है। लेकिन बच्चा फिर भी जिद करने लगता है। बेटे के जिद के कारण माँ बेबस हो जाती है और उसे जेसीबी दिला देती है। ऐसे धीरे धीरे चुड़ैल बहुत सारे खिलौने गांव में बेच देती है। फिर चुड़ैल अपने घर वापस चली जाती है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल कहती है, ए मेरे प्यारे खिलौने आओ, सभी बच्चों को अपने साथ मेरे पास ले आओ, आओ आ जाओ। चुड़ैल के इतना कहते ही वह सभी खिलौने जो चुड़ैल गांव में बेचकर आई हुई थी सभी जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लग जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने लिए होते हैं वह खिलौने उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। तभी अचानक वह खिलौने घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चे भी हिप्नोटाइज होने की वजह से खिलौनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये हुई बात, आ गए सारे के सारे बच्चे, वाह मेरे खिलौनों आ जाओ अपने तहखाने में चले जाओ। चुड़ैल ऐसा कहते ही उन सभी बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। वह किसी को जेसीबी में, किसी को ट्रक में और किसी को क्रेन में बदल देती है और फिर सभी को अपनी रेडी कर रख लेती है। चुड़ैल कहती है, बस अब गांव में कुछ ही बच्चे बच्चे हुए हैं, उन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी और फिर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, यह खबर तूफान की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले जिनके बच्चे गायब हुए थे रोने लग जाते हैं और सुपर नागराज को याद करने लगते हैं। सुपर नागराज कहाँ हो, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है यह गांव मुसीबत में है। वहीं दूर बैठे सुपर नागराज को गांव वालों की फरियाद सुनाई देती है। सुपर नागराज बोलता है, लगता है गांव में कोई मुसीबत आ गई है, मुझे जल्दी से जाना होगा। वह वहां से उड़ता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सुपर नागराज से कहते हैं, जय हो सुपर नागराज, आप हमारे मसीहा हो, हमारे बच्चे रातों रात गायब हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ, हमारी मदद करो। तभी सुपर नागराज शक्ति से देख लेता है कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। नागराज गांव वालों से बोलता है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आती है उसी ने सभी बच्चों को उठाया है, वह वास्तव में एक चुड़ैल है और जो खिलौने चुड़ैल से खरीदे गए थे वही जिंदा होकर बच्चों को अपने साथ ले गए। अब आप दोबारा किसी से भी खिलौने मत खरीदना, इतने मैं बच्चों को बचा कर लाता हूँ। नागराज वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के पास पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वह चुड़ैल के घर में घुसने की कोशिश करता है उसे जोर का झटका लगता है। नागराज कहता है, लगता है चुड़ैल ने इस घर के चारों तरफ अपनी शक्ति फैला रखी है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा। तभी नागराज एक बच्चे में बदल जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। चुड़ैल को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है कोई बच्चा बाहर ही रह गया है, लेकर आती हूँ, आज तो आखिरी रात है, बच्चे कुछ बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे पकड़ने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल घर से बाहर आती है
बच्चा नागराज में बदल जाता है और चुड़ैल पर बहुत सारे सांप छोड़कर उसे जकड़ लेता है। फिर उसे अपनी शक्ति से मारने लगता है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे छल कपट से पकड़ा है, यह बात सही नहीं है। नागराज कहता है, पाप को खत्म करने के लिए छल और कपट का भी सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुमने भी तो छल और कपट से बच्चों को चुराया है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल वहीं मर जाती है। इतने में सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, चुड़ैल के मरते ही जो बच्चे खिलौने बने हुए थे वह सभी ठीक हो जाते हैं। तब सभी गांव वाले नागराज को धन्यवाद करते हैं और बच्चों को लेकर अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। फिर सुपर नागराज भी हवा में उड़कर अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ और लुभावनी चीजों को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। ऐसा ना करने पर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे वह बच्चे फंस गए थे। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।